हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू वंशिकास क्लासेस आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का टॉपिक हम आज की वीडियो में कवर करेंगे इंट्रोडक्शन वी ऑल नो दैट देयर आर अबंडेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ मेनी ऑर्गेनिजम्स आर नॉट आइडेंटिकल टू इच अदर अर्थ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं और uh, कई सारे ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे हैं जो आइडेंटिकल भी नहीं हैं दिस वेराइटी ऑफ लिविंग बींग्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड एंड क्लासिफाइड मोर देन 1.7 मिलियन स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस अर्थ बायोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई और क्लासिफाई किया है 1.7 मिलियन स्पीशीज से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं ऑर्गेनिजम्स की अर्थ पे और जिनमें से ज़्यादातर ट्रॉपिकल रीजन्स में प्रेजेंट है वर्ल्ड के देर इज़ अ सेपरेट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कॉल्ड टेक्सोनॉमी विच आइडेंटिफाइज नेम्स एंड क्लासीफाइज डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ बायोलॉजी की जो ब्रांच है जिसको कहते हैं टेक्सोनॉमी वो आइडेंटिफाई करती हैं नेम्स नेमिंग करती हैं और क्लासीफाई करती हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को जो कि अर्थ पे प्रेजेंट हैं फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है कैरोलस लिनियस को कहते हैं चार्ल्स चार्ल्स एन इंग्लिश बायोलॉजिस्ट एंड अ नेचुरलिस्ट ही ट्रेवल्ड ऑन एच एम एस बीगल टू गैलेपेडोस आइलैंड इन साउथ अमेरिका यूजिंग हिज ऑब्जर्वेशन ही प्रपोज द थियोरी ऑफ एवोल्यूशन इन हिज बुक ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज इन एटीन फिफ्टी नाइन He explained that natural selection is the basic mechanism of evolution. Natural selection basic mechanism hai evolution ka. His theory of natural selection became the basis of modern evolutionary studies. Classification of living things. Classification presented by Aristotle. He classified animals on the basis of their habitats. एरिस्टोटल ने एनिमल्स को उनके हैबिटेट्स के बेसिस पर क्लासीफाई किया था लैंड वाटर एंड एयर बट इट कैन बी इजीली ऑब्जर्व दैट द एनिमल्स दैट लिव एट अ पर्टिकुलर हैबिटेट से लैंड आर स्टिल सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर देर फॉर इट वॉज डिसाइडेड टू क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ अ हायर ये हमने देखा है कि किसी एक पर्टिकुलर हैबिटेट में तो कई तरह के एनिमल्स प्रेजेंट हो सकते हैं तो फिर ये डिसाइड हुआ कि उन एनिमल्स को उनके हायरार्की के बेसिस पर क्लासिफाई करना सही रहेगा दिस हायरार्किकल क्लासिफिकेशन क्लासीफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज इन द कैरेक्टरस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिजम्स हैविंग सिमिलर है प्लेस्ड इन अ सिमिलर कैटेगरी जिन ऑर्गेनिजम्स की सिमिलर फीचर्स थे उनको सिमिलर कैटेगरीज में रखा गया नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन की क्या जरूरत थी इफ़ वी क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स इन टू सेवरल कैटेगरी इट विल बी ईजियर फॉर टू स्टडी डेन अगर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे सेवरल कैटेगरीज में तो हमारे लिए उनको स्टडी करना ईजी रहेगा सेकेंड पॉइंट इट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग हाउ डिड दीज ऑर्गेनिज्म इवाल्व ये इस बारे में स्टडी करने में भी हेल्प करेगा कि ये ऑर्गेनिज्म कैसे इवॉल्व हुए वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर ये भी स्टडी करने में ईजी रहेगा कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स कैसे रिलेटेड हैं ईच अदर रिलेटेड टू ईच अदर वी कैन लर्न वाई डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एट डिस्टिंट ज्योग्राफिकल कंडीशंस

प्रोकेरियोटिक सेल्स सेल्स वो डेफिनाइट न्यूक्लियस जिन सेल्स में डेफिनाइट न्यूक्लियस नहीं होता उनको प्रोकेरिओटिक सेल्स कहते हैं जिन सेल्स में डेफिनाइट न्यूक्लियस होता है उनको यू कैरिओटिक सेल्स कहते हैं दूसरा क्राइटेरिया था द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स इन द बॉडी या तो ऑर्गेनिज्म यूनील्युलर होंगे या मल्टी सेल्यूलर होंगे यूनीसेल्युलर मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेल्युलर मतलब मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म थर्ड क्राइटेरिया था हाउ ऑर्गेनिजम्स ऑप्टेन देयर फूड ऑर्गेनिजम्स या तो ऑटोट्रॉप होंगे मतलब फोटोसिंथेसिस वगैरह के थ्रू अपना खाना बनाएंगे या फिर हेट्रोट्रॉफ्स होंगे हेट्रोट्रॉफ्स मतलब डिपेंड ऑन देयर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड इवॉल्यूशन Over a course of time, the living organisms accumulate changes. These changes could be in their body type or size or their features. These changes allow them to survive better with the change in environment. This is called evolution. This concept was introduced by Charles Darwin. Evolution is the slow process by which organisms change according to their needs to survive the environment around them. Evolution leads to the formation of new organisms and more diversity in the ecosystem. Taxonomy. Taxonomy kise. Taxonomy is the branch of science that deals with the classification of organisms. Taxonomical hierarchy. टेक्सोलॉमिकल हायर आर्की रेफर्स टू द ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ टैक्सन्स। किंगडम इज रैंक एज द हाइएस्ट लेवल ऑफ हायरकी एंड स्पीशीज इज एट द लोएस्ट रैंक विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हायर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स आर अरेंज इन टू ग्रुप्स ऑफ लेवल्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स या टैक्स में या लेवल्स में क्लासीफाई किया है उनकी सिमिलैरिटीज के बेसिस पर एज वी गो अप इन द दायर आर्की लेसर सिमिलैरिटीज जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं इस पिरामिड में देख सकते हैं कि स्पीशीज फिर जीनस फिर फैमिली फिर ऑर्डर क्लास फाइनल किंगडम किंगडम सबसे हाईएस्ट लेवल है क्लासिफिकेशन का और स्पीशीज सबसे लोएस्ट लेवल है क्लासीफिकेशन का कई सारी स्पीशीज कंबाइन होकर जीनस फॉर्म करती हैं, कई सारे जीनस फैमिली बनाते हैं कई सारी फैमिली ऑर्डर को फॉर्म करती हैं, फिर ऐसे ही कई सारे ऑर्डर्स को कंबाइन करें तो क्लास कहलाती है कई सारी क्लासेस मिलकर फाइलम बनाती हैं और कई सारे फाइलम कंबाइन होकर एक किंगडम का फॉर्मेशन करती हैं किंगडम किंगडम इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन विच कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ फाइला और डिविजन्स फाइला एनिमल्स के केस में बोलते हैं और डिविजन्स कहते हैं प्लांट्स के केस में विथ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स फाइलम या डिविज़न फाइलम्स बोलते हैं एनिमल्स के केस में और प्लांट्स के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो डिविज़न कहलाते हैं फाइलम और डिविजन इज़ अ लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन विच कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ क्लासेज विथ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्लास अ क्लास इज़ द लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन विच कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ ऑर्डर्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे हमने पढ़ा था उसमें पिरामिड में वही दिया हुआ है यहाँ पर order an order is the level of classification which consists of a number of families with similar characteristics family a family is the level of classification which consists of a number of genus with similar characteristics genus genus is the level of classification which consists of number of species with similar characteristics species species is the level of classification which consists of a number of organisms with similar characteristics and can

इनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आए होते टाइम के साथ साथ मतलब ज्यादा इवोल्यूशन नहीं हुआ होता प्रिमेटिव ऑर्गेनिजम्स में एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स आर दोज एक्वायर्ड बॉडी चेंजेस दे आर दे आर आल्सो कोल्ड एज हायर ऑर्गेनिजम्स एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स में काफ़ी इवोल्यूशन हो चुका होता है और इनको हायर ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं nomenclature Carolus Linnaeus is a swedish botanist and physician who is also called the father of taxonomy he introduced the binomial nomenclature and laid the ground rules which paved way for modern taxonomy binomial nomenclature binomial nomenclature was introduced by carolus linnaeus as a method of naming organisms in taxonomy it consists of two parts the first part

स्पीशीज का नाम का शुरू का जो लेटर होता है उसको स्मॉल में बनाते हैं और जीनस के नाम का शुरू का जो लेटर होता है उसको कैपिटल में लिखते हैं और भी कई सारे रूल्स होते हैं बायोनोम के क्लासिफिकेशन फॉर्मेशन ऑफ किंगडम्स बायोलॉजिस्ट कैटेगराइज डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इनटू सेवरल किंगडम्स बायोलॉजिस्ट ने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग किंगडम्स के बेस पर क्लासिफाई किया है टू किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस ने 1758 में दी थी रॉबर्ट विटकर ने 1959 में दी थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट्स और एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट किया था रॉबर्ट विटकर ने जो क्लासिफिकेशन दी थी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी वो था प्रोटिस्टा फंजाय प्लांटी एनिमेलिया एंड मोनेरा मोनेरा की भी फर्दर क्लासिफिकेशन हैं आर्किया और यू बैक्टीरिया कार्ल बोस ने भी 1977 सेवेंटी सेवन में क्लासिफाई किया था ऑर्डर ऑफ़ क्लासिफिकेशन किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज स्पीशीज इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफ़िकेशन। स्पीशीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरप्रीट विद ईच अदर द पिक्चर बिलो एक्सप्लेन्स हाउ ह्यूमन्स आर क्लासीफाइड इन अ हायर ऑर्डर ये होमोसैपियंस का दिया हुआ है इस डायोग्राम में ंगडम क्लासिफिकेशन इज द मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय आरएच विटकर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच विटकर ने दिया था जो हमने डायग्राम में भी अभी पढ़ा था दिस क्ला क्लासिफिकेशन सॉल्व मोस्ट ऑफ द इश्यूज इन टेक्सोनोमी रिलेटेड टू द प्लेसमेंट ऑफ बैक्टीरिया एंड फनजाई बैक्टीरिया और फनजाई को क्लासीफाई करने की जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उन प्रॉब्लम्स को फाइव किंगडम क्लासीफिकेशन में सॉल्व कर दिया गया था द फाइव किंगडम फाइव किंगडम्स आर मोनेरा प्रोटेस्टा फनजाई प्लांटी एंड एनिमेलिया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्लान्टी एनीलिया फंजाई प्रोटिस्टा यू बैक्टीरिया आर की बैक्टीरिया ये फीचर्स हैं कुछ प्लांटी मल्टी सेल्यूलर होते हैं यू कैरियोटिक होते हैं एनीमेलिया Anim, के जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर और यू कैरियोटिक होते हैं फनजाई के भी प्रोटेस्टा के मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं यूनी सेल्यूलर भी हो सकते हैं यू बैक्टीरिया जो है लुलर और प्रोकैरियोटिक हैं और आर की बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर और प्रोकैरियोटिक हैं ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स दो टाइप के होते हैं प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल्स है, हैं मोनेरा यूकैरियोट्स भी दो तरह के होते हैं यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर में प्रोटिस्टा आते हैं प्रोटिस्टा सेलवॉल होती हैं प्रोटिस्टा में और एनिम एनिमल्स में नहीं होती सेल वॉल जिनमें सेल वॉल होती हैं प्रोटिस्टा वो भी दो टाइप्स के होते हैं फनजाए और प्लांटी प्लांटी के जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और फनजाए फोटोसिंथेसिस नहीं करते किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे ऑल द प्रोरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर प्लेसड इन दिस किंगडम मोनेरा किंगडम में जितने भी प्रोकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनको रखा गया है बैक्टीरिया एंड देर एंशियंट कजन आर की बैक्टीरिया आर द ऑर्गेनिजम्स दैट मेकअप किंगडम मोनेरा आर की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा के ही अंतर्गत आते हैं दीज आर प्रोकेरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑटोट्रोफिक या फिर हाइड्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइट्स डायग्राम में ये कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की पिक्चर है आर्किया किंगडम द मोनेरा किंगडम इज फर्दर क्लासिफाइड एज आर्किया दीज आर माइक्रोब्स या बैक्टीरिया दैट कैन लिव इन हार्श कंडीशन सिंस दे कैन लिव इन एक्सट्रीम टेम्परेचर दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सट्रीमोफाइल्स आर्किया एक्सट्रीम टेम्परेचर में रह सकते हैं इसलिए इनको एक्सट्रीमो भी कहते हैं दीज ऑर्गेनिजम्स लैक अ सेलवॉल आर्किया में सेल वॉल नहीं होती दीज सेल देयर सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स आर्किया की सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स की बनी हुई होती है दे आर फर्दर क्लासिफाइड इन टू थ्री कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट आर्किया के हैबिटेट के बेसिस पर फर्दर इनको तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है हेलोफाइल्स थर्मोफाइल्स और मेथेनोजेंस हेलोफाइल्स जो होते हैं ये सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया होते हैं दे लिव इन एक्सट्रीमली सॉल्टी वॉटर थर्मोफाइल्स जो होते हैं दे लिव इन बॉइलिंग वाटर हॉट स्प्रिंग्स एंड आर फाउंड इन गट्स ऑफ एनिमल्स लाइक काउ एंड शीप दे प्रोड्यूस मिथेन गैस फ्रॉम देअर यू बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया फाइलम ऑफ मोनेरा कंसिस्ट ऑफ ऑल द बैक्टीरिया डेट सर्वाइव इन अ नॉर्मल इन्वायरमेंट यू बैक्टीरिया में वो वाले बैक्टीरिया हैं जो नॉर्मल इन्वायरमेंट में रहते हैं मतलब आर किया बैक्टीरिया की तरह नहीं जो एक्सट्रीम एनवायरमेंट में रहती है ऑल द मेजर हेल्पफुल एंड पैथोजेनिक बैक्टीरिया वी नो टूडे फॉल अंडर दिस कैटेगरी ये एक बैक्टीरिया का डायग्राम रिप्रेजेंट किया हुआ है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सम बैक्टीरिया हैव अ वेरी थिक सेल वॉल विच मेक्स दैम टेक अप ग्राम स्टेन एंड अपीयर वॉयलट इन बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं देर आर अदर बैक्टीरिया विच हैव अ थिन सेल वॉल एंड ऑन ग्राम स्टेनिंग अपीयर पिंक यूजअली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक इन नेचर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पैथोजेनिक होता है किंगडम प्रोटेस्टा किंगडम प्रोटेस्ट जैसे कि अमीबा किंगडम प्रोटेस्ट इज अप ऑफ ऑल दू कैरिओटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट ईस्ट प्रोटोजोआन प्रोटोजोआन आर द यूनिसेल्युलर यूनिसेल्युलर यू कैरिओटिक ऑर्गेनिजम्स दैट कम अंडर द किंगडम प्रोटेस्टा एग्जाम्पल्स आर पैरामिशियम अमीबा प्लाजमोडियम यूगलीना लिश्मानिया एक्सेट्रा फंजाई लाइक प्रोटेस्ट्स दिस किंगडम इंक्लूड्स यूनिसेल्युलर फनजाई लाइक ईस्ट एंड मउल्स plant like protists kingdom protista includes some unicellular algae which are photosynthetic kingdom fungi the organisms of kingdom fungi are mostly saprophytic it is the only kingdom which has the multicellular and unicellular organisms majority of them have a cell wall made up of chitin Kingdom Plantae. All plants and trees we see around us come under this kingdom. All of them are autotrophic with chloroplast in their cell. Their cell wall is made up of cellulose. The plant kingdom is classified into two major divisions as cryptogams and phanerogams. Plant kingdom. दो दो कैटेगरीज़ में डिवाइडेड हैं क्रिप्टोगैम और फेनोरोग क्रिप्टोगैम आर नॉन फ्लावरिंग एंड नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स। फेनरोगैम आर फ्लावरिंग एंड सीड बियरिंग प्लांट्स। क्रिप्टो क्रिप्टोगैम जो हैं वो भी फर्दर तीन पार्ट्स में क्लासीफाइड uh, है थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा फेनरोगैम्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है जिमनोसपम्प्स एंड एनजीओ क्रिप्टोगैमे Cryptogams literally mean plants with hidden reproductive parts. Cryptogams are plants that produce spores to reproduce instead of seeds. Cryptograms mean seed formation. Nahi hota. So these plants do not have flowers or fruits. In flowers or fruit production. Bhi nahi hota. Crypto, uh, cryptogams are further classified as thalophytes, bryophytes, and talidophytes. phanerogam Phanerogams are plants that produce seeds for reproduction. Some of them do not produce flowers while the others produce flowers. Phanerogams are further classified as gymnosperms and angiosperms. Thalophyta. Thalophyta is the first division of the plant kingdom. It consists of red, green, and brown algae. They do not have a lot of differentiated structure. Examples are Spirogyra, Eulothrix, Cladophora, Alba, and Cara. Bryophyta. Bryophyta is the second division of plant kingdom. These are the first plants to have differentiated roots and shoots. Examples are Funaria and Markantia. Pteridophyta. Pteridophyta is the third division of plant kingdom. These plants have proper differentiation of roots, stems, and leaves. Examples of Pteridophyta are Marsilia, ferns, and Horsetails. जिम्नोस्पम्स और एनजियोस्पम्प्स के बारे में पढ़ेंगे अब जिमनोसपर्म्स जिम्नोस्पर्म्स स्टैंड फॉर नेकेड सीन दे आर द फर्स्ट फेनेरोगैम्स सिंस दे प्रोड्यूस सीड्स विच आर नॉट एनक्लोज इन फ्रूट एग्जाम्पल्स आर पाइंस एंड डिओडर साइकस एक्सेट्रा एनजियोस्पम्स एनजिस्पर्म्स इज द लास्ट डिविजन ऑफ प्लांट किंगडम एंड हैज वॉट साइंटिस्ट एज्यूम इज द मोस्ट इवॉल्व ऑर्गेनिज्म ऑन द प्लानेट दे बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इनसाइड साइड विच द सीड्स आर फाउंड cotyledons cotyledons are structures present in seed for nutrition during germination when leaves are not yet developed angiosperms either have two cotyledons making them dicots or only one making them monocots dicots and monocots angiosperms the highly evolved plants on the planet earth are further classified based on the number of cotyledons their seeds have when seeds have two cotyledons they are called dicots dicots have Tap root system and reticulate venation. Examples: mango, pea, beans, etc. If seeds have only one cotyledon, they become monocots. Monocots show a fibrous root system and parallel venation. Examples: all grains like wheat, maize, rice, etc. Kingdom Animalia. Kingdom animalia is made up of eukaryotic multicellular heterotrophic organisms mode of nutrition is holozoic and they are either herbivores or carnivores most animals are motile they can move independently in search of food shelter or mate animals are made up of many organ systems that aids in performing specific functions that are necessary for survival of the organism most of the animals are bilaterally symmetrical while primitive animals are asymmetrical and Nidarians are echinoderms. Nidarians and echinoderms are radially symmetrical. Porifera. This phylum consists of sponges. They are mostly marine. Very few are freshwater sponges. All of all the animals are sessile, fixed in one place. Cells are loosely arranged. Cellular grade of organization. Animals are diploblastic with outer ectoderm and inner endoderm held with jelly like mesoglia, exoskeleton in the form of spicules made up of silica or calcium carbonate sponges have pores all over the body porifera is classification body pores are called ostia water from outside enters the body through ostia and leaves through the large opening called the osculum these animals are aquatic mostly marine these are uh, these are solitary or colonial each individual is known as zoid animals are radially symmetrical sessile forms are called polyps and free living forms are medusa cells are organized into tissues tissue grade of the organization eh? animals are diploblastic outer ectoderm and inner endoderm mesoglia separates two layers the body has a single opening called the hypostome, surrounded by sensory tentacles. Body cavity, coelom, acts as gastrovascular cavity that is silentron. Cylind Special type of cells called nematocysts are present for capturing and paralyzing the prey present in tentacles. Examples are Hydra, jellyfish, corals, Obelia, sea anemone. फ्लैटी हेलमेंथिस दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर बायोलेट्रली सीमेट्रिकल ट्रिप्लो ब्लास्टिक एंड फ्लैट अब तक डिप्लोब्लास्टिक्लैटी हेलमेंथिस से ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाता है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज सीन एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक विद आउटर एक्टोडम मिडल मिजोडोम एंड इनर एंडोडोम ए सिलोमेट दैट इज नो बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट द डायजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट और एबसेंट mostly parasites are platyhelminthes. a few are free-living. examples are liver fluke, tapeworm. nematoda. these organisms have bilater bilaterally symmetrical, triploblastic and cylindrical body. organ system grade of organization is seen. is present. have a tubular digestive system with openings at both the ends. they are endoparasites. Mouth is provided with hooks and suckers. Examples are Ascaris, hookworm, filarial worm etc. Annelida. These organisms have bilateral symmetry and triploblastic. They are mostly aquatic few are terrestrial. These are the first organism to have a true coelom. Coelom is सिलोमिस कंपार्टमेंटलाइज बाई इंटर सेगमेंटल सेक्टा बॉडी इज लॉन्ग एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड दैट इज सेगमेंटेशन फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड द बॉडी एग्जाम्पल्स आर लीच अर्थफॉर्म एक्सेट्रा अर्थफॉर्म होता है जैसे तो अर्थफॉर्म्स के सेगमेंट्स देख सकते हैं इस तरह से इस तरह से बॉडी सेगमेंटेड होती है एनालिट्स की

they are bilater bilaterally symmetrical and have an open circulatory system compound eyes are present examples are insects scorpions spiders millipedes centipedes crabs lobsters etc mollusca they are bilaterally symmetrical with a reduced coelomic cavity and a little segmentation they have an open circulatory system and kidney like organs for excretion Body is soft and usually enclosed in a shell. The shell may be external or internal. They show the presence of foot, mantle, and mantle cavity. Examples are pearl oysters, bivalves, sepia, octopus, snail, slug, etc. Echinodermata. They are spiny skinned and free living, exclusively marine. द एनिमल्स आर यूजअली पेंटामेरस दे आर ट्रिपलोब्लास्टिक एंड हैव अलोमिक कैिटी दे हैव अ वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम फॉर मूविंग फॉर्वर्ड एग्जाम्पल्स हैं स्टारफिश सी अर्चिन सी कगम्बर सी लीली एक्सेट्रा हेमिकॉर्डेट्स हेमिकॉर्डेट्स का एग्जाम्पल है बेलोनोगलोसिस हेमिकॉर्डेट आर बाइलेट्रिलेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक दे हैव अटोकॉर्ड

कॉर्डेटा के फीचर्स क्या क्या हैं प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूब्यूलर होलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड नोटोकॉड फेरिंजल गेल्सलेट्स पोस्ट टेल सिमेट्रिकल बॉडी थ्री जर्म लेयर्स ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंस ऑफ वेंट्रल हर्ट एंड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड एंडोक्राइन ग्लैंड एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू प्रिमेटिव फॉर्म्स द एनिमल्स हैव अ वर्टिब्रल कोलम इनस्टेड ऑफ अ नोटोकॉर्ड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स स्पाइसेस स्पाइसिस में फिशेज आती हैं क्लास स्पाइसिस इंक्लूड ऑल बोनी एंड कार्टिलेजिनस फिशेज दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक बॉडीज स्ट्रीम लाइंड विथ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड दीज आर कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स हर्ट इज टू चैम्बर्ड लेटर लेटरल लाइन सिस्टम इज वेल डेवलप्ड एग्जाम्पल्स आर शार्क्स रेज रोहू मृगाल ग्रीन कार्प एक्सेट्रा amphibia amphibians live both on land and in water and lay their eggs in water respiration is through gills in the larval stage and through the lungs in adults they are cold blooded animals they have a three chambered heart examples are frog toads salamander etc reptilia these are first completely land animals. Reptiles are cold-blooded and breathe th through, through their lungs. They have a three-chambered heart, except crocodile, and lay eggs with tough coverings. Bodies covered with scales, scutes, or hard plates. Examples are snakes, crocodiles, turtles, lizards, etc. Apes. All birds belong to this class. They are warm-blooded. Have a four-chambered heart and breathe through lungs. They have well uh, they have their forelimbs modified into wings which help in flight. Jaws are modified into beaks, bones are hollow, and most of them are fused to reduce body weight. An exoskeleton is in the form of feathers. Mammalia. They are warm-blooded, breathe through their lungs, and have a four-chambered heart. Presence of hair on their body. स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड आर एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स प्रेजेंस ऑफ पिना लाइक पिन्ना दैट इज एक्सटर्नल ईयर इज ऑल्सो सीन ऑनली मैमल्स दे ऑल्सो हैव मेमरी ग्लैंड टू फीड देयर यंग यूजअली गिव बर्थ टू लिव यंग्जाम्पल्स ऑफ मैमल्स आर ह्यूम केटल्स वेल्स हॉर्स बैट्स रेट्स एक्सेट्रा तो ये था डायवर्सिटी के टॉपिक के बारे में डायवर्सिटी ऑफ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్